हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं और मेरी क्यूट सी फैमिली भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, और मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से आप सभी को हैप्पी फादर्स डे। और बेटू आप बोलो हैप्पी फादर्स डे डैडू। हैप्पी फादर्स डे डैडू, आई लव यू। स्माइल कर दो डैडू के लिए। क्या पता मेरे घर वाले जो मतलब मेरे पापा की तरफ से हैं वो लोग देख रहे होंगे या नहीं, पता नहीं मुझे। और आज फादर्स डे है, ऑब्वियसली सबको ही अपने पापा प्यारे होते हैं और मुझे भी हैं, लेकिन बट क्या कह सकते हैं, जो भी है अब मैं बता नहीं सकती, लेकिन अब जो भी हैं मेरा सब कुछ यही है। और बस कुछ नहीं कह सकते और उससे आगे। और बाकी आप लोग भी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना किस किस ने फादर्स डे मनाया। हम लोग, मैं तो नहीं मनाती फादर्स डे, और मेरी बेटी, हाँ मेरी बेटी के फादर हैं तो वो मनाती है फादर्स डे, है ना बेटू? तो चलो मिलते हैं काम करने के बाद, क्योंकि अभी घर मेरा ना सारा फैला हुआ है। ये देखो, आपको मैं दिखाऊँ तो ये देखो सारा मेरा घर फैला हुआ है। और तो चलो मिलते हैं आपको काम वाम करने के बाद। तो फाइनली मेरा काम घर का सारा हो चुका है, और मेरी बेटी अभी यहाँ पर सो रही है। और पहले मोटर बंद कर दूँ। काम वाम मेरा सारा हो चुका है, और पता नहीं आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर मेरी बेटी सो रही है, आप लोग देख लो। तो और हस्बैंड जी गए हैं चिली पटाटो लेने के, गए हैं, और आज फादर्स डे है। तो चलो जैसे हम, अगर हम लोग बनाते हैं तो हम लोग आपको ज़रूर दिखाएंगे, और नहीं बनाएंगे तो नहीं दिखा पाऊँगी। तो कोशिश तो यही है हस्बैंड जी की कि बनाएंगे हम फादर्स डे। मेरी बेटी का फर्स्ट फादर्स डे है इस वजह से। और आप लोग, हाँ, ये मत कहना कि मैं बार बार अपने फेस को क्यों हाथ लगा रही हूँ, क्योंकि पता नहीं मेरे ना फेस पे दाने हो रहे हैं ना छोटे छोटे, तो वो खुजा रहे हैं इस वजह से। और रमन जी बोल कर गए हैं पराठे बनाने के लिए और चाय बनाने के लिए, तो चलो पराठे और चाय बना लेते हैं। तो मिलते हैं आपसे, और जैसे जैसे हम फादर्स डे बनाएंगे तो आपको भी दिखाएंगे। आप लोग इन्जॉय करना और पूरे ब्लॉग को बने रहना। तो चलो, तो यहाँ पर रखे हैं मेरे कपड़े धुले हुए, और मेरी बेटी के कपड़े इधर हैं, तो ये अभी मेरे को सारे कपड़े सुखाने हैं। और मेरी बेटी सो रही है, वो रही है, ये सो रही है वो अभी। पहले जल्दी जल्दी जाके पहले पराठे बना लेते हैं और चाय बना लेते हैं, मिलते हैं फिर आपको। मम्मा, बाबू। तो फाइनली गाइस मैंने खा लिया है खाना। तो खाना वाना खा लिया है, हस्बैंड जी गए हैं सब्जी लाने, और आज हम लोग बनाएंगे, क्या बनाएंगे सोच के बताती हूँ। हस्बैंड आएंगे जब बताएंगे वो, लेकिन अभी गए हैं सब्जी लेने। और आज जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया आगे वीडियो में कि जैसे आज फादर्स डे है, तो हम लोग छोटा सा सेलिब्रेट करेंगे फादर्स डे को। और आज हमारे ससुर जी भी आ रहे हैं, यानी कि मेरे बेटू के दादू, बाबू दादू, अरे दादू। तो आज मेरे ससुर जी भी आ रहे हैं, तो उनके साथ ही हम सेलिब्रेट करेंगे एक छोटा सा, और ज़्यादा बड़ा हम लोग नहीं कर रहे हैं। और आप लोगों को जैसे मैं आपको बता दूं तो गाइस, बहुत ज़्यादा ना घर में मेरे प्रॉब्लम चल रही हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं, तो इस वजह से मैं व्लॉगिंग नहीं दे पा रही हूँ। उसके लिए आपसे दिल से माफ़ी मांग रही हूँ, दिल से। और ये वाला व्लॉग मेरा क्या पता दो दिन में आ जाए, या कल ही आ जाए, या दो दिन बाद आएगा ये वाला व्लॉग मेरा, ज़रूर आएगा। और दो या तीन तीन व्लॉग, दो व्लॉग मैंने मतलब उनको एडिट करने के लिए लगा रखा है, और जैसे ही वो मेरे टाइम मिलेगा तो मैं आप लोगों को शेयर करूँगी। तो बस यही कहना था और कुछ नहीं।
और आप लोग सोचोगे कि मैंने ऐसा वीडियो में आगे क्यों कहा कि मैं फादर्स डे नहीं मनाती, और मैं आप लोगों को मैं बताऊं नहीं बताऊं, चलो बता ही देते हैं गाइस। मैं फादर्स डे इसलिए नहीं मनाती, मेरे पापा हैं मेरे पापा, लेकिन फिर भी हम लोग नहीं मनाते हैं। और जिसके पापा नहीं होते हैं, मतलब जिसको भगवान के पास चले जाते हैं, एक लोग उन लोगों को दिल में तसल्लियाँ हो जाती है कि हमारे पापा ऐसे नहीं हैं और ऐसे चले गए, ये वो जो भी है आई थिंक। और आप लोग, मेरे को नहीं पता कि मेरे फैमिली लोग देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, तो पता नहीं मुझे। और हाँ, मम्मी मेरी देखती है, तो मेरी मम्मी ने, मैं अपनी मम्मी को बस यही कहूँगी कि मेरी मम्मी मेरे पापा है और मेरी मम्मी ही मम्मी है, तो इसलिए हमें पापा की, मेरी मम्मी ने आज तक ऐसा रियलाइज़ ही नहीं होने दिया कि हमारे पापा नहीं हैं। और मेरे पापा हैं हमारे बीच में हैं, लेकिन बट वो रहते अपना अलग। और मेरी बहन जब 3.5 साल की थी, छोटी वाली, आप लोगों ने देखा होगा ज़्यादातर उसको ही ब्लॉग में, और तो जब से लेकर आज तक वो 16-17 साल की हो गई जब से, और अभी तक हम लोग रेंट के मकान में ही रहते हैं। मेरी मम्मी ने हमारा देखना वालना करा है, और बस उससे ज़्यादा मैं आप लोगों को कुछ नहीं शेयर करना चाहती, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं और बहुत, और फिर मेरे फैमिली लोग भी देख रहे होंगे तो बुरी लग रही होगी उन लोगों को, वो मुझको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो सच है वो सच है गाइस। और बस और कुछ नहीं, तो आप लोग ऐसा कह रहे होंगे कि आज फादर्स डे और ऐसे ऐसे कह रही है, लेकिन नहीं, जो गाइस सच है ना वो सच है। हम लोगों को भी याद आती है अपने पापा की, ऐसा नहीं है, याद आती है, क्यों नहीं आती है याद, बहुत ज़्यादा याद आती है, लेकिन क्या कहें क्या कर सकते हैं। और बस और कुछ नहीं कहना चाहती, मिलने को भी बहुत मन करता है, कभी कभी मन करता है कि अपनी बेटी को भी दिखा के आऊँ अपने पापा को कि ये मेरे पापा नाना बन चुके हैं, मतलब पता तो होगी उन्हें, पता चल भी गई होगी कि मेरी बेटी इतने महीने की है और मेरी बेटी हुई है, या फिर बहुत सी चीज़ें उन्हें पता होगी, और बस उनको, और देख रहे भी होंगे मेरे पापा, तो ये उनकी नाती है ना बाबू, नानू को हाय कर दो, हाय नानू। तो बस बहुत सी चीज़ें प्रॉब्लम्स है, तो कोई बात नहीं, छोड़ो उस बात को, लेकिन हाँ हम आज भी अपने पापा से प्यार करते हैं, अब वो हमें नहीं पता कि हमारे पापा हमसे प्यार करते हैं या नहीं, पता नहीं, लेकिन हम 4 बहन भाई हैं, चारों बहन भाई अपने पापा से प्यार करते हैं, माँ बाप से हम लोग प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है। तो बस और कुछ नहीं, हस्बैंड जी आते हैं सब्जी बनाते हैं, जब ससुर जी आ जाएंगे और फादर्स डे सेलिब्रेट करेंगे तो आपको मिलेंगे। हाँ, एक पापा को छोड़ा तो दूसरे पापा भी मिल गए हमारे को, मतलब मेरे को, क्योंकि मेरे ससुर जी मेरे पापा ही समान हैं, मेरे पापा हैं। तो बस हैप्पी फादर्स डे मेरे ससुर जी। तो चलो मिलते हैं आपको। Turns to sun rays and on and on we'll go. तो फाइनली खाना वाना हमारा हो चुका है, बेटी मेरी सो चुकी है क्योंकि वो सो गई, और केक वगैरह कट करके। और आप लोगों को ये छोटी सी क्लिप मेरी कैसी लगी, बस हम 3-4 लोग ही थे जो भी थे, आप लोगों को कैसा लगा तो वो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। और हस्बैंड जी अभी गए हैं बाहर अपने फ्रेंड के साथ ऐसे ही घूमने के लिए, और ससुर जी भी जा चुके हैं खाना वाना खा के, और बस हम लोगों ने भी खाना वाना खा लिया है। और जो साथ में एक और अंकल हैं तो वो हमारी गली में ही रहते हैं। तो बस आप लोग अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर देना लाइक, अगर मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जिसने नहीं कराना तो क्या कर रहे हो, अभी जाके सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को। आप लोगों को हमारी ये छोटी सी क्लिप फादर्स डे की कैसी लगी, और इसकी फोटो वीडियो आपको मिलेगी हमारे इंस्टाग्राम पे, हमारा इंस्टाग्राम मैं यहाँ पे साइड में दोनों का ही इंस्टाग्राम लगा दूंगी, अपना भी और अपनी बेटी का भी, तो आपको वहाँ जाकर वो मिल जाएगी वीडियो और फोटोज़।
चेकआउट कर लेना जाकर। और तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को शेयर कर दो अपने दोस्त फ्रेंडों के साथ। और बस यही आप लोगों से कहूँगी, और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो जाके कर लो, जल्दी कर लो, और मुझे जल्दी जल्दी सपोर्ट करो ताकि मैं आगे बढ़ूँ। तो चलो मिलते हैं किसी अच्छी और नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।